नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र के तलावली गांव में मजदूर कैंप पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। करीब 15,000 रूपए नकदी से भरा हुआ बैग व गैस सिलेंडर लूट कर हुए फरार। पुलिस कर रही मामले की जाँच। सर हम सोए हुए थे, अचानक से आदमी आए, अपन को तो पता नहीं, अपन चिल्लाने दौड़े, फायरिंग कर दी बस और भग गए। वो लूट मारी तो गई सर, 5 टंकी थी, उसमें से 3 बच्ची 2 ले गए शायद, और बैग था, हाँ पैसे थे 10-15 हज़ार रुपए के। शाम को तो आए थे। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने हाथ से हाथ जोड़ अभियान के तहत पदयात्रा के दौरान मीडिया से की बातचीत। कहा, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति राहत कैंप की राहत से वंचित नहीं रहेगा। राहत कैंप तब तक जारी रहेंगे जब तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में चयनित परिवारों को राहत कार्ड उपलब्ध नहीं हो जाता। गंगानगर में सर्किट हाउस में पार्किंग और पार्क में फुटपाथ इंटरलॉकिंग कार्य का विधायक गौड़ ने किया लोकार्पण। कार्य पर 16 लाख रुपए की लागत आई। गौड़ ने आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में आमजन महंगाई राहत कैंप में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाए और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाए। कोटा में शहर की सड़कों पर उतरे बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका निकाली विशाल रैली। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात पर जताया आक्रोश। भरतपुर में पोस्को कोर्ट ने 13 वर्ष की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा व 50,000 के अर्थदंड से किया दंडित। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 19 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए। दीपा गुर्जर पोक्सो कोर्ट संख्या 1 भरतपुर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 376 IPC व 3 व 4 पोक्सो एक्ट में FIR संख्या 481/21 पुलिस थाना नगर में मुलजिम दयाराम पुत्र पूरन चंद निवासी जाटव बस्ती नगर को 20 साल की कठोर कारावास से दंडित किया है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दर्जनों रिटायर्ड फौजी 10 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। रिटायर्ड फौजियों ने शासन निहाल चंद को बताया कि मांगों को लेकर 20 फरवरी से लगातार फौजी धरने पर बैठे हैं। बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 15 दिवसीय विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उर्वरक का कितने मात्रा का फसल में उपयोग ली जाए, किस प्रकार के बीज का उपयोग हो, इसको लेकर खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। झालावाड़ के जावा थाना क्षेत्र में शिक्षक को घर में अकेली महिला से छेड़खानी करना पड़ा भारी। महिला के चिल्लाने पर आसपास के पड़ोसी और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और शिक्षक की जमकर धुलाई कर दी। पुलिस कर रही मामले की जांच। कल शाम को जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी कि जावर कस्बे में एक व्यक्ति किसी के मकान में घुसे। उस पर पूरी टीम भी मौके पर भेजी। बाद में एक महिला ने थाने पर आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं घर पर अकेली थी, ज्ञानी राम मास्टर जो मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा, मेरे कागरे का नाड़ा तोड़ गया। महिला की रिपोर्ट पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया जाकर ज्ञानी राम को गिरफ्तार किया। बूंदी में LHV ANM संघ का धरना 6 दिन भी जारी रहा। LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान ने प्रमुख समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष सोनाली गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम विधायक अशोक डोगरा को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में जबरन धर्मांतरण करवाने वाले दोषियों को जल्द की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मोही गांव में युवक ने किया था सुसाइड। मोही प्रखंड में कह सकता हूं ये औरत आतन व्यभिचारी है। इससे पूर्व में इसने भीलवाड़ा उदयपुर में केस किए हैं और इस प्रशासन की नाखामोशी है कि वो अभी तक औरत स्वतंत्र घूम रही है और इस बच्चे को बाध्य किया गया है और ये चक्रव्यूह ऐसा रचा गया है कि आदमी आत्महत्या कभी नहीं करता है, जब उसके पास विकल्प नहीं बचता है तब आत्महत्या की जाती है, तथा आत्महत्या नहीं होती है, तो ये सीधी हत्या है और इनके ऊपर कार्रवाई की जावे। अतिक्रमण मुक्त बीकानेर अभियान के तहत संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार पर हटाया अतिक्रमण। दुकानों के शटर से बाहर चौकिया व काउंटर को हटवाया गया। कोर्ट गेट से लेकर कोर्ट गेट थाने यानी स्टेशन रोड तक की जो भी अतिक्रमण पाए गए उन्हें हटवाया गया। पता है कि कोर्ट गेट के अंदर घुस करके काफ़ी सारा जाम लगता है और आम जनता की काफ़ी शिकायतें, काफ़ी परेशानियाँ सामने आ रही थी, तो जो लोग 10-10 फीट 20-20 फीट आगे बढ़े हुए थे उन सबको पीछे हटाया ताकि आम जनता को सुगम रास्ता मिल सके। जैसा कि हमने काफ़ी टाइम कई जगह पर काफ़ी सारी रोड चौड़ी कर दी हैं। कोर्ट गेट के अंदर का ये इलाका काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में
सहडोली में 7 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर एसडीएम कार्यालय में पोलिंग बूथों के कर्मचारियों के लिए बैठक। पंचायत समिति सदस्य के निर्दलीय उम्मीदवारों में है कांटे की टक्कर। चुनाव व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडिशनल एसपी सरिता सिंह भी मौके पर पहुंची। झुंझुनू के खेतड़ी में एएनएम ने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं होने तक सामूहिक अवकाश पर रहने का लिया निर्णय। एएनएम का पदनाम कर फील्ड ऑफिसर करने, ग्रेड पे 2800-3600 करने पर समयबद्ध पदोन्नति करने की है मांग। 6 मई 2023 को सेक्टर कोटड़ा की समस्त एएनएम ने अपनी 3 सूत्री मांगों से संबंधित उनका ज्ञापन दिया है, जिसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया। साथ ही एएनएम स्टाफ ने यह भी कहा है कि ये अनिश्चितकालीन तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। इस बाबत भी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। मांगे हैं वो हमारी, एक तो पे ग्रेड 2800-3600 की जाए और एक हमारे एनएम से नाम चेंज किया जाए, पदनाम फील्ड ऑफिसर किया जाए। इसके लिए हमें सामूहिक अवकाश पर है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजसमंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित यात्रा को सभा को लेकर सांसद दिया कुमारी ने पार्टी पदाधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सभा स्थल, पांडाल, हेलीपैड, पार्किंग, यातायात सहित अन्य विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया। झुंझुनू में न्याय मित्र केके गुप्ता के दौरे के बाद एक्शन में नगर परिषद, एक नंबर रोड से हटाया अतिक्रमण, 50 से ज्यादा रेहड़ी ठेलों को किया जब्त। के गुप्ता जी के निर्देशानुसार नेहरू मार्केट में 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाया गया था। इनको भी चेतावनी 2 दिन से दी जा रही थी, जो एक रेडी के आगे एक दूसरी रेडी नहीं लगाएं। इन्होंने 3-3 रेडियां लगा रखी थी, किसी ने तो 4 लगा रखी थी। इनको सब जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम और पता? राजीव कुमार जल। श्रीगंगानगर में गब्बर पहलवान द्वारा नशे से दूर खेलों की ओर महारैली का हुआ आयोजन। इस रैली को श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख, नगर परिषद AEN अमनदीप कौर, समाज सेवी राजकुमार राव व सामाजिक एकता मंच के अध्यक्ष रफीक चौकदार ने हरी झंडी देकर किया रवाना। झुंझुनू में ANM LHP ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेगा धरना जारी। हमारी सरकार से मांगे, 3 मांगे हैं, एनएम की पे ग्रेड और पदोन्नति की लिस्ट निकालना और नाम परिवर्तन करना, ये 3 हमारी मुख्य मांग है और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारा निश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा। बाड़मेर में सचिन पायलट वीरेंद्र धाम छात्रावास का उद्घाटन और स्वर्गवास डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। यह छात्रावास मंत्री हेमाराम चौधरी के स्वर्गीय पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में बनाया गया है। उदयपुर में प्रताप स्मारक स्थल पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने युद्ध टैंक T-55 का किया अनावरण। राज्यपाल ने कहा, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिलती है। राज्यपाल प्रताप स्मारक पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान एवं प्रदेश विस्तारण बैठक, बूथ विजय संकल्प को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। भाजपा मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण अभियान और प्रदेश विस्तारक बैठक में शामिल होने पहुंचे। विधानसभा के 200 विधानसभा सीटों पे ही फुल टाइम विस्तारक नियुक्त हुए हैं, ये पूर्णकालिक है। ये पूरे टाइम लोकसभा चुनाव तक अपने एरिया में जो विधानसभा इनको मिली है वो रह करके पूरा पार्टी का काम धाम देखेंगे। पूरे एक एक बूथ को संभालने का इनका काम है। बूथ की समितियां बनी, उसका वेरिफिकेशन, पन्ना प्रमुख बने, बूथ की समितियों का कार्य का बंटवारा और हर तरह के जो काम है ये पूरा समय अपना दे रहे हैं और सब यंग हैं, 30 से 35 साल की उम्र के बच्चे हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश के विस्तारक कुछ जो नए निकले हैं उनकी कार्यशाला और कुछ जो पुराने विस्तारक थे ऐसे सब लोगों को 3 दिन का ये कार्यशाला आज शाम को समापन होगा इसका। और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब हैं और प्रदेश से हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी हैं, विभिन्न सत्रों पर और उनको प्रशिक्षण दिया है। आगे जाके गांव-गांव में जाकर और बूथ सशक्तिकरण अभियान जो हमारा चलने वाला है, जो चल रहा है निरंतर, उसको और मजबूती प्रदान करें।
सीकर में जिले के धोर तहसील के पुराबड़ी गांव में शादी में दूल्हे ने टीके के 5 लाख रुपए वापस किए। बारात में आए हुए मेहमान को हेलमेट दिए गए। दूल्हे ने कहा समाज को एक जागरूक संदेश देना चाहते हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।